आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी। तो ये आधा किलो भिंडी है जिसको इस शेप में काट लेना है। सबसे पहले धो लेना है, इसके बाद काटना है। और ये दो प्याज है जिनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। ये हरी मिर्च है, ये हींग है, हल्दी, राई और जीरा पड़ेगा इसमें। तो अब किस तरह से बनाना है, तो ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसमें अब थोड़ा सा राई डाल देंगे। देखिए चटकने लगा। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, ये भी चटकने लगे, थोड़ा रुकना है। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और इसके बाद जब ये थोड़ा सा चटक जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो इसमें ये प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। और इसको चलाते जाना है थोड़ी देर तक। जब हल्का सा प्याज ब्राउन होने लगे, फिर इसके बाद इसमें भिंडी, हल्दी और नमक डाल देंगे। तो ये देखिए प्याज 2 मिनट के बाद हल्का सा ब्राउन होने लगा है। अब इसमें हम अपनी जो भिंडी कटी हुई है इसको डाल देंगे। तेज आंच ही रखनी है और ये हरी भिंडी डाल देंगे। इसके बाद हल्दी डालना है, लगभग 1 टीस्पून के करीब, और आधा चम्मच नमक डालना है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। और फिर इसको चला देना है अच्छे से। देखिए लगभग 15 मिनट में हमारी ये भिंडी की सब्जी तैयार हो गई है। और इसको 5-5 मिनट में मैंने 2-3 बार चलाया है, तो ये इस तरह से तैयार हो गई है। इसकी मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो आज मैंने ये भिंडी की सब्जी बनाई है, जो भिंडी की भुजिया है। तो इसको किस तरह से बनाते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही लजीज बनती है। तो यदि आपको ये देखने में बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लग रही है, तो इसको मेरे लिंक जो मैंने दिया है उसको आप खोल के देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर देखें, बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें।